नमस्कार, खबर समय स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विशिष्ट कार्यप्रणाली के माध्यम से भारत के विकास को नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को सेवा ही संगठन का मूल मंत्र दिया है। देश के जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनता के लिए सेवारत है के कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का। कर्नाटक के प्रवास के दूसरे दिन बेंगलुरु जिले के मल्लेश्वरम विधानसभा की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों के प्रति जनता का भरोसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हमेशा तोड़ो राज करो की नीति पर काम करती रही है। कर्नाटक प्रदेश और क्षेत्र के विकास के लिए हमें भाजपा को ऐतिहासिक विजय दिलाकर अपने बूथ को कांग्रेस मुक्त करना है। आज मैं मल्लेश्वरम विधानसभा के वार्ड क्रमांक 35 की बैठक मैंने यहाँ पर ली है। आदरणीय प्रवीण जी हमारे सूरत से विधायक वो भी यहाँ पर पधारे हैं। आदरणीय प्रमिला जी तमिलनाडु से यहाँ पर हैं और यहाँ के हमारे जो बूथ के इस वार्ड के जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह और उमंग देख करके मुझे लगता है कि इस विधानसभा के अंदर प्रत्येक बूथ को कांग्रेस मुक्त बूथ बनाने का संकल्प सब लोगों ने दिया है और ऐतिहासिक विजय इस विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अश्वथ नारायण जी उन्हें ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजय मिले। पूरे कर्नाटक की क्या स्थिति आप देख रहे हैं? पूरे कर्नाटक में मोदी जी का जादू है, मोदी जी के प्रति लोगों का अथाह विश्वास है और इसलिए जनता मोदी जी के काम और जो देश के अंदर जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी का वातावरण मोदी जी के नेतृत्व में बनाए तो मोदी जी के लिए जनता तत्पर और तैयार होकर के आज कर्नाटक में ही प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देगी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।